सारा एग्जीक्यूटिव एलजी कंट्रोल कर रहा है। एलजी को इस्तीफा देना चाहिए, एलजी को इस्तीफा देना चाहिए। सर चार दिन में दिल्ली सरकार के ऐसे बहुत कमी लोग हैं जो यहाँ पर ना आए, पर आप अभी भी यहाँ की हालत देख सकते हैं कि क्या हो रही है। सिर्फ जो कार निकली थी कल, उस दिन जब कार निकली थी हादसे वाले दिन, उसके ऊपर FIR कर दी, केस चला दिया। सर आज बारिश हुई है, आज पूरा पेशेंट मर गया है। सर LG को इस्तीफा देना चाहिए, MCD काउंसलर को सस्पेंड करना चाहिए, MCD मेयर के ऊपर केस चलना चाहिए, MCD काउंसलर के ऊपर केस चलना चाहिए, सबको सस्पेंड करना चाहिए। सर हम छात्र यहाँ पे संघर्ष कर रहे हो, तब तक करते रहेंगे, अब तक न्याय नहीं मिलेगा। सारी अथॉरिटीज को LG साहब लीड करते हैं, LG+MCD दोनों के हाई एग्जीक्यूटिव पद पे जो बैठे हैं लोग, उनको इस्तीफा देना चाहिए। सांसद टीवी में देखो, सांसद टीवी में मुद्दा चला, बीजेपी ने जब ये मुद्दा उठाया तो बीजेपी के लोग इस पे तालियां बजा रहे हैं। ये तीन मौत पे तुम ताली बजा रहे हो सांसद टीवी में? ये बीजेपी में हमें नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। ये पॉलिटिसाइज मत करो, बीजेपी के MP वहां ताली बजा रहे हैं सांसद टीवी में बैठ के, तीन बच्चों की मौत पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसमें लोग। दे आर फॉर द पीपल, हम सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दे आर सर्वेंट, इंडियंस आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, दे आर सर्वेंट। उनको यहाँ खड़ा होना चाहिए हमारे साथ, और हम अगर बारिश में खड़े तो हम सबसे इम्पोर्टेंट है, उनको हमारी बात आके सुननी चाहिए। हम जब कमर तक पानी में खड़े हैं तो उनको भी खड़ा होना चाहिए। वो जो सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा पैसा है, हमारा टैक्स है, सब कुछ हमारा है, सारा पैसा हमारा है। उनको सोचना चाहिए कि वी आर इम्पोर्टेंट। यहाँ का जो MP है बंसूरी स्वराज, वो कहाँ है? यहाँ का जो MP है बंसूरी स्वराज, वो कहाँ है? फर्स्ट दिन आए, 5 मिनट के लिए फेस दिखाए और चले गए, और वो कहाँ है? और आपके जो MLA दुर्गेश पाठक, वो कहाँ है?